ते श्रोतागण सुन लो सभी कैसे श्रोतागण सुन लो सभी है सतयुग की बात कैला सन में तप करे शंकर भोलेनाथ शंकर भोलेनाथ लगो है सब देवन के चाव दक्ष भूप के होरियो शिव को पहल पहल को ब्याव सजनो प्रसंग से आप सुनोगे कि सती जी की पहली शादी भगवान शंकर की पहली शादी माता सती जी के साथ में तय हो जाती है। शादी तय हो गई, शादी के दिन नजदीक आ गए, तेल हो गया, मांडा हो गया, फेराओं का दिन नजदीक आ गया, सारे देवताओं को निमंत्रण भिजवा दिया, सारे देवता अपने अपने विमान लेकर कैलाश पर्वत पर आ गए। विचार करते हैं कि आज के फेरा हो गए और भगवान शंकर अपनी समाधि में लीन है, ये कब तो दूल्हे बनेंगे और कब राजा दक्ष के यहां पहुंचेंगे, इनको समाधि से जगाना चाहिए। सजनों सारे देवता मिलकर भगवान शंकर को कैसे समाधि से जगाते हैं और कैसे भगवान शंकर दूल्हे बनकर राजा दक्ष के यहां पहुंचते हैं आप सुनोगे इस कथा के माध्यम से। देखिए क्या कहते हैं देवता, क्या कहते हैं भैया, कल्ला दो बन जा शिव लहरी खूटी के दर्द माला को कैसे बन गया, लाडो बन जा शिव लहरी खूटी के दर्द माला को लाडी डर पे की हटा दे बिशियर काला को, लाडो बन जा शिव लहरी खूटी के दर्द माला को लाडी डर पे की हटा दे बिशियर काला को, लाडो शिव लहरी खूटी के दर्द माला को लाडी डर पे की हटा दे बिशियर काला को। शिव शंकर दूल्हे बनो कैसे, शिव शंकर दूल्हे बनो नंदेश्वर हर साय देव ऋषि नारी शादी का सब रही मंगल गाय, भैया नाचे कूदे भूत परीत नाचे कूदे भूत परीत हिल मिल गाय ब्याह का गीत, नौता जगह जगह भिजवाया और लगरियो भारी चालक ब्रह्मा विष्णु नारद आया, कैसे बन रहे पिंड शंभु भगवान चढ़कर आयो इंद्र विमान, आए शारद शेष दिनेश और गाता आवे गीत बराती बन राकेश गणेश, कैसे भैरू नाचे ताता थैया गारे गीत शीतला मैया, न्यू कूदात फाड़रिया भूत पर एक बगल कोना में बैठा हसरी यम का दूत, भैया न्यू को है श्यामिन को डेरो कर रही नौ ग्रेब बेरो डुकम डुक्का हो रही खाऊं और लग रही चार ब्याव को कुश्ती लड़ रही केतु राऊ, कैसे अब वाला डो बन कर चलो साप लटका लिया हाथन में, कैसे रे मुकुल लखन ऐसा लग रे पड़ेगा लाठ बरातन में, हो लाठो बन जा शिव लहरि खूटी के दर्द माला को, हो लाठे डर पर के आता दे बिसर काला को, लाठो बन शिव लहरि खूटी के दर्द माला को, हो लाठे डर पर के आता दे बिसर काला को, लाठो बन कर चले सांप लटका लिया हाथन में और मुख लखन ऐसा लगे पड़ेगा लठ बरातन में। भगवान शंकर दूल्हे तो बढ़ गए लेकिन दूल्हे ऐसे बढ़ गए सारे शरीर में तो राख रमा लेते हैं और सारे कैलाश पर्वत के सर्पों को अपने शरीर में लटका कर रवाना हो जाते हैं। देखिए ब्रह्मा जी क्या कहते हैं, क्या कहते हैं भैया, ब्रह्मा जी ने गिरा उचारी भैया, ब्रह्मा जी ने गिरा उचारी भेड़ी जान हो गई सारी, कर दियो टूटो बैल अगाड़ी और न्यू बोलियो ब्रह्मा जी या पे छड़े बड़े ने जाड़ी, कैसे कई तू डोले एठो एठो लाडो उछड़ बड़द पर बैठो, अद्भुत दूल्हे को सिंगार और देख रूप लाडा को सारी हसे नगर की नारे, कैसे या हुग नष्ट डोकरो जाए या तू किसा सासरो आए,
दुनिया टमक टमक झांके और बतला रिया गांव का या का जिसा पावना या के भैया कोई की तीखी बाकी थोड़ी। जैसे भगवान शंकर दूल्हे बनकर तैयार हो गए ऐसी भगवान शंकर की बारात तो तैयार हो रही है। देखिए कैसे कैसे कोई की तीखी बाकी थोड़ी कोई की चमक रही है लोटी गल्ला आंधा काना लंगड़ा और बन के चला बराती करता जाए गेल में झगड़ा भैया कोई के ठोडी नीचे नात कोई के बुदनी पीछे आखे आछा खे जब आवे खाबा और डर लागे देखा सु एडी आगे पीछे भाबा कैसे अड़बेटी लग रही दांतन में कोई के सीनु या हाथन में विष्णु ने दे दियो इशारो और डट जा भोले बाबा यही बड़े सासरो थारो भैया अब खे वाला की नाय सती भाई अंदाज करो कैसे और देख ले ननद थारा बींद को नखरो रे भाईली में तो दे क्या ही बरात आगी गोंडे में कैसे भैया। सज्जनो भगवान शंकर और भगवान शंकर की बारात राजा दक्ष की नगरी में प्रवेश कर जाती है। एक सती जी की सहेली भगवान शंकर को देखकर सती जी के पास में पहुंच गई और भगवान शंकर के साथ भगवान शंकर की बड़ाई सती जी के सामने करती है और किस प्रकार क्या कहती है क्या कहती है भैया कि भाईली में तो देखा ही बरात आगी गोंडे में कैसे भैया ओ सहेली में तो देखा ही बरात आगी गोंडे में बूढ़ा लाटा के बत्ती सी नहीं है मोटे में भाईली में तो देखा ही बरात आगी गोंडे में बूढ़ा लाटा के बत्ती सी नहीं है मोटे में भाईली में देखा ही बरात आगी गोंडे में बूढ़ा लाटा के बत्ती सी नहीं है मोटे में देख से सब नारे अजब सिंगार देख लो या को या हुयो गुजर वो काम शर्म नहीं आए बड़े बूढ़ा को कैसे नरचू बड़े डोकरो ए भी भैया नरचू बड़े डोकरो ए भी बैठो बड़े बड़द पे के भी या की कुड़ ने करी सगाई और चौथा पण में या बैरी को कितकु भाई लुगाई कैसे सब कर रही लुगाई ठट्टा लाडो उड़ा रहे सुलपट्टा सुकड़ रही तन की खाल सकेती और लकड़ी भेड़ी करो नाल भैया की बात मड़ेटी कैसे अब देख बींद बूही ओ फटे लाडी की माही को कैसे पड़े किसा पड़ेगी पार भाग खोटो भाई भाई को ओ भाई मैं तो देखा ही बारात आगे घोटे में तो बुढ़ा दादा के बाते से नहीं है घोटे में भाई मैं देखा ही बारात आगे घोटे में तो बुढ़ा दादा के बाते से नहीं है घोटे में देख बींद को ही हो फटे लाडी की माई को और किसा पड़ेगी पार भाग फोटो मारी भाई को। बरात राजा दक्ष के दरवाजे पर पहुंच जाती है। सजनों जो ही तोरण की तैयारी होती है दूल्हे को देखने के लिए सती जी की सहेली राजा दक्ष के महल में इकट्ठी हो जाती है। जब भगवान शंकर को दूल्हे के रूप में दरवाजे पर देखा तो सती जी की सहेलियों को एक गीत याद आ गया और आज भी हमारे यहाँ ब्याह शादियों में उस गीत को गाया जाता है। तो सती जी की सहेली भगवान शंकर कोई गीत गाती है। देखिए कैसे गाती है रे जोरा कैसे गाती है भैया अरे मोराड़े घड़ी रे छोरी ओ मोराड़े घड़ी कैसे ओ मोराड़े घड़ी रे छोरी ओ मोराड़े घड़ी कैसे ओ बूढ़ो भी देख डो पौड़ी पे छोरी ओ मोराड़े घड़ी ओ बूढ़ो Oh,
कबीर देखवा सखिया आई कैसे कबीर देखवा सखिया आई वो तो हंसे रही खड़ी ओ खड़े तो गोदो मेरे गटो पारे मैं जोड़ी ओ मारे गाने तो गोदो मेरे गटो पारे मैं जोड़ी ओ मारे गाने कबीची और कंचला तन पे भैया या के बीची और कंचला तन पे गला में माला सारे पन के पाने तो गोदो बेटे गटो पाने मैं जोड़ी हो मारा ने गाने तो गोदो बेटे गटो पाने मैं जोड़ी हो मारा ने गाने के साठ बरस को दूले देखो कैसे वन साठ बरस को दूल देखो रानी हुआ तो राजा सो लड़े तो गोदो मेरे गटो पाने मैं जोड़ी हो मारे गाने रतन पे गला में माला सारे पन के पाने तो गोदो मेरे गटो पाने मैं जोड़ी हो साठ बरस को दूल देखो कैसे वन साठ बरस को दूल देखो रानी हुआ तो राजा सो लड़े तो गोदो मेरे गटो पाने मैं जोड़ी हो मारे गाने तो गोदो मेरे गटो पाने मैं जोड़ी हो इस प्रकार सत्य जी की सहेली भगवान शंकर को गीत गाती है साथ में एक गीत और गाती है वो कैसे कैसे आ रे 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 आ की डगमग हाले नाड़े डटे नहीं खासी कैसे आ रे 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 आ की डगमग हाले नाड़े डटे नहीं खासी कैसे ओ मारे गोरे छोरी तो कुपेराई रान करे गो तारे रे रे आगे रो जागे मागे राने आगे गटे मारे कारे रे रे ओ मारे गो छोरे को पहलाई राने करे ब्रह्मा जी एक विधाता हरेक लिख
चंडीगढ़ के दिल बाते के मोटो देखो लाती को घूंघट है सूरत घोटा देखा दी को चंडीगढ़ दिल बाते के मोटो देखो लाती को घूंघट है सूरत घोटा देखा देखो नाथ नथुनिया कानन में है सोना की बाड़ी अरे ब्रह्मा जी करे विचार बड़ी या लाडी नथराड़ी सजनों भगवान शंकर की पहली शादी में फेरा पड़वाने वाला पंडित खुद ब्रह्मा जी थे जो भगवान शंकर की दूसरी शादी राजा हिमाचल गए हैं माता पार्वती के साथ में हुई थी उसमें फेरा पड़वाने वाला पंडित सतानंद थे लेकिन पहली शादी में खुद ब्रह्मा जी फेरा पड़वाते हैं सजनों भगवान शंकर के फेराव की तैयारी हो गई जो ही सती जी को भगवान शंकर के पास में लाकर बिठाते हैं सती जी के रूप को देखकर ब्रह्मा जी विचलित तो हो जाते हैं और देखिए क्या होता है क्या होता है भैया मीत बिगड़ गई ब्रह्मा जी की मोंडो देखो लाडी को कैसे 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 अरे अनीत बिगड़ गई ब्रह्मा जी की मोंडो देखो लाडी को पल्लो घूंघट पे सुवट को ठाडी ठाडी को मीत बिगड़ गई ब्रह्मा जी की मोंडो देखो लाडी को पल्लो घूंघट पे सुवट को ठाडी ठाडी को मीत बिगड़ ब्रह्मा जी की मोंडो देखो लाडी को पल्लो घूंघट पे सुवट को ठाडी ठाडी को देखो अजब स्वरूप रूप या पार्वती को भड़के लाडी की सूरत देख देख मन ब्रह्मा जी को तड़के भैया ब्रह्मा तीन लोक के स्वामी कैसे ब्रह्मा तीन लोक के स्वामी है घट घट के अंतर्यामी महिमा है जिनकी बेदन में और पार्वती को रूप देख पड़ गो फिरंच चक्कर में कैसे ब्रह्मा टेढ़ो झाके या को ब्याव करो भोला के पणिया लाडी है नखराड़ी और जब मिल तो या मेल देख होती मेरी घरवाली भैया राजा पैसु या तू मांगू मेरे असी जचे ले भागू पणिया लागे किसा अड़ंगो अरे ओल सोल पड़ जाए मटो हो जाए ब्याह में दंगो कैसे बैठा दोनों लाडा लाडी हुई ब्रह्मा की रोंगटी ठाडी पायल बाजे छमक छमक अरे भूल गयो सब मंत्र ब्रह्मा झाके टमक टमक कैसे राजा सु ब्रह्मा बोलो ओंदा भांडा शादी का और बदल गयो चौगड़ो भूख फेरा रहेगा आदि का भैया अब ब्रह्मा आशिक हुयो घनो नखरो है लाडी को कैसे अरे या मांडा नीचे रूप निरख रहो ठाठे ठाठे को भीतर कर के भिलवा दे के मोंडो देखो लाडी को के ब्रह्मा आशिक हुए घनो नखरो है लाडी को और मांडा नीचे रूप निरख रहे ठाडी ठाडी को सजन और सती जी के रूप को देखकर ब्रह्मा जी मोहित हो गए विचार करते हैं कि ये सती जी की शादी अगर मेरे साथ में हो जाती तो कितनी अच्छी रहती लेकिन अब क्या हो सकता है सजनों ब्रह्मा जी फेराओं को भूल गया फेरा आदि पहले के पढ़ने चाहिए थे राजा से कह दिया राजा फेरा तो आदि पहले पीछे के हैं पहले कन्यादान चालू कर दो लेकिन क्या होता है क्या होता है भैया कन्यादान करे नर नारी कन्यादान करे नर नारी मंगला चार हो रिया भारी ब्रह्मा जी के याई रगड़ो एकदम मोह हो गयो तगड़ो भैया लाडी बाहूरी नो झाए के और लगा लियो अंदाज खवासन ही वहां की चालाक कैसे मन में कालो उपजय हुआ के लाडी गेल मिसर क्यों झाके है चालाक मिसर गई जाने और मन ही मन में देख मटा की हंसवा लागी नायने कैसे ब्रह्मा जी सु करे इशारा ब्रह्मा जी सु करे इशारा अब दिखे बजवाला बारा पीछे कर जो ये निकनेम निकसेगी फेरा की टेम
एकदम हुई खवासन ठाडी और मांडा नीचे उबा कर दिया दोनों लाडा लाडी। भैया होनी मेट सके ना कोई, होनी मेट सके ना कोई, फेरा पड़ा सपूरा दोई। गल्ला समड़े हुआ ब्रह्मा जी पढ़ लो किसी कर्म की बाजी, वा को अंश नष्ट हो जाए। अरे वाह ब्रह्मा जी ने देख अंगूठा नीचे लियो दबाए। कैसे एकदम मसल जोर से दियो, कैसो खेल प्रभु ने कियो। अब मसलो अंश अंगूठा सु सब देखे दुनियादार। भैया और माता वाई छोरा पैदा हो गया 60,000। रे बन मांडा नीचे लाडी पे कैसे भैया। सजनो सती जी के रूप को देखकर ब्रह्मा जी का अंश नष्ट हो जाता है। ब्रह्मा जी अपने पैर के अंगूठे से मिसल देते हैं। 60,000 पुत्र ब्रह्मा जी के मांडा के नीचे खड़े हो जाते हैं। देखिए क्या होता है, क्या होता है भैया। के मांडा नीचे लाडी पे ब्रह्मा जी आशिक हो गोरे। कैसे कैसे कैसे। अरे या मांडा नीचे लाडी पे ब्रह्मा जी आशिक हो गोरे, वाकी काया को रतन धन हो गोरे। मांडा नीचे लाडी पे ब्रह्मा जी आशिक हो गोरे, लाडी पे ब्रह्मा जी आशिक हो गोरे, बाकी काया को रतन धन हो गोरे। दुनिया बस्ती की गई कैसे, दुनिया बस्ती की गई ओड़ी सोड़ी भाग पेल पेल देखो अशो अजब तमाशो आज। भैया अजब तमाशो आज, सबन की उड़ी प्यास और भूख, या कहीं रगड़ो पशो दक्ष भी हुयो चौकड़ी चूक। कैसे सजना ब्रह्मा जी के 60,000 पुत्र जब मांडा के नीचे खड़े हो गए तो भगवान शंकर खड़े हो जाते हैं और देखिए ब्रह्मा जी से क्या कहते हैं। क्या कहते हैं भैया। अरे करी ब्रह्मा ने नाला की, रे करी ब्रह्मा ने नाला की, और याती खा गई शरद मटा ने खेली चाला की। मिसर की बुद्धि क्यों ना सी, मिसर के बोते क्यों ना थे, यान खूब करो भोट्यारो तेरी बस्ती का बासी। हो गयो शिव शंकर खा दो, रे हो गयो शिव शंकर खा दो, और मैं देखूं आज कौन यहाँ आवे गो आ दो। कैसे अब ओड़ी सोड़ी नार खवासन बात करे ठाडी। कैसे रे या खूब रुपयो रंबाद तमाशा देख रही लाडी। औली सोनी नार खवासन बात करे ठाडी, और या खूबर तोरंबाद तमाशा देख रही लाडी। सजना एक तरफ तो ब्रह्मा जी और ब्रह्मा जी के 60,000 पुत्र खड़े हो गए और भगवान शंकर अपनी सारी बारात को एक जगह इकट्ठी कर लेता है। देखिए कैसे कैसे करते हैं भैया। शिव ने हुक्म दियो एक साथ, भैया शिव ने हुक्म दियो एक साथ, भेड़ी हो जाओ सभी बारात, आ जाओ घेरो घेरो इनको, पहला पकड़ो ब्रह्मा जी को। दुनिया में हो गई विदेश, और मांडा नीचे करो मटा ने चौड़े धाड़े केस। कैसे मांडा नीचा को घोटालो, या ने राग किसा दिखवाड़ो, वृथा बिगड़ाया घी खांड, और क्यों बुलवायो या कुखेबा लगा गाँव का भांड। कैसे या पे क्यों पड़वाया फेरा, गल्ला डोले असा लुटेरा, हाँसी ठट्टा करे निगोडा, और है खाबा का डाकी फाड़े बे मतलब में मोंडा। भैया न्यू कू करे खवासन बात, ये नकटा क्यों फाड़े दांत,
खवासन देखे ठाडी ठाडी और घनी देर सुमांडा नीचे बैठा लाडा लाडी कैसे वजहा अब या को गट जोड़ो जो खोल कहे बिंदायक को दादो कैसे डट जाओ मत करो पुसोन हाल तो ब्यावे हुयो आदो रे पण ओणा सोणा डोले डंडा पड़गा गांव सटेटा के कैसे वजहा सिजनो आपस में झगड़ा हो जाता है। एक तरफ तो भगवान शंकर और भगवान शंकर की बारात, दूसरी तरफ ब्रह्मा जी और ब्रह्मा जी के 7,000 पुत्र। देखिए क्या होता है, क्या होता है भैया, के ओना सोना डोले डंडा पड़गा गांव सटेटा के झगड़ो माटा नीचे हो गो बाप और बेटा के ओना सोना डोले डंडा पड़गा गांव सटेटा के झगड़ो माटा नीचे हो गो बाप और बेटा के डोले डंडा पड़गा गांव सटेटा के झगड़ो माटा नीचे हो गो बाप और बेटा के। देख लड़ाई तनी जोर की घनी युद्ध हुयो तगड़ो सावा में पड़ो बिठोक ब्याह में खूब हो गयो झगड़ो भैया झगड़ो हो रियो बेसुमार कैसे झगड़ो हो रियो बेसुमार ओणा सोणा भाग्या सब नर नार बींद ने कुंभ कलश फोराड़ो और कर दिया तक्का बक्का वाने मांडा तू तो राड़ो कैसे शिव का भूत प्रेत ये सारा सवलाई लगा रिया जयकारा देखो भैरू जी का झटका अरे वाह ब्रह्मा का छोरे टनकी ना कन में भर लिया बटका भैया अगवा राजा का झरोखा मारे उमा सती ठाडी कैसे अरे इनको बचा बड़ा लो कोई रहे लाओ पाठ रहे लाडी हो ओला सोला डोले डंडा बनगा काम से बेटा है ओ झगड़ो माटा नीचे हो गो बाबर बेटा के ओला सो डोले डंडा बनगा काम से बेटा है ओ झगड़ो माटा नीचे हो गो बाबर बेटा के राजा का झरोखा माले कुमा सती ठाडी और इनको बचा बड़ा ले कोई हिला पाट रही लाडी। सजनो सती जी राजा दक्ष के महल पे छिड़कर आवाज लगाते हैं कोई तो इस झगड़े को शांत करो, लेकिन झगड़ा शांत होने में नहीं आता है। देखिए क्या होता है, क्या होता है भैया, रण में लड़ रही है बेसुमार कैसे रण में लड़ रही है बेसुमार ब्रह्मा का सुत 60,000 न्यूकू शिव जी का जयकारा बोले दई देवता सारा शिव के गुस्सा तन में छायो और मैं देखूंगो या कुआ ने कर त्रिशूल उठायो कैसे नारियो पिता पुत्र को ना तो झटकाटो ब्रह्मा को माथो कर दियो शिव शंकर ने ढूंढ और ब्रह्मा जी को काटो वाने बकरा वालो मुंड भैया अब नारद जी ने कई रे लड़ो मत कटो सके तो फांदे कैसे रे होनी जे हो गई रे लड़ाई कथा ही करा दो बात हो थोड़ा थोड़ा डोले डंडा बनगा काम से बेटा के तो झगड़ो माटा नीचे हो गो बाबर बेटा के थोड़ा सा डोले डंडा बनगा काम से बेटा के तो झगड़ो माटा नीचे हो गो बाबर बेटा के। सुजनो नारद जी ने कई लड़ो मत कटो सटेटो फंद और होनी जे हो गई लड़ाई कतई करा दो बंद। भगवान शंकर अपने त्रिशूल से ब्रह्मा जी का शीश काट देते हैं। वो शीश कौन सा काट दिया जिसमें बकरे का सिर था। नारद जी आ गए कहने लगे भाई अभी झगड़े को यहीं शांत कर दो। देखो क्या होता है, क्या होता है भैया, लागी सब देवन को आछी कैसे लागी सब देवन को आछी थे दे नारद जी ने साची सबने बैठर सलाह बनाई अब या बने मुंड को काई या कु स्वर्ग लोक पहुंचा दो और स्वर्ग लोक में या कु आछी तानी सुधरवा दो कैसे आए गो वक्त पड़ा पे काम देवता राजी हुया तमाम माथो स्वर्ग लोक पहुंचायो और है ग्रंथन को लेख देख भृगु संगीता में गायो भैया ब्रह्मा जी का पुत्र तमाम ब्रह्मा जी का पुत्र तमाम धरदियो पाल खिल ऋषि नाम फेरा पड़ा मगन हुयो मन में
और निमटो सारो काम देख शिव आ गयो कैलासन में। कैसे सुजनो सारे देवता विचार करते हैं ब्रह्मा जी के बकरे वाले सिर का क्या किया जाए। सबने विचार करके कहा इसको स्वर्ग में रखवा दिया जाए, कभी न कभी काम आ सकता है। उस ब्रह्मा जी के बकरे वाले सिर को स्वर्ग में रखवा दिया और जो ब्रह्मा जी के 7,000 पुत्र थे जिनका नाम बाल खिल्ले ऋषि रख दिया। सज्जनों फेरा पड़ गए, भगवान शंकर और सती जी दोनों कैलाश में आ गए। एक रोज राजा दक्ष एक यज्ञ करता है और इस यज्ञ में सारे देवताओं को निमंत्रण देता है लेकिन भगवान शंकर को मौता नहीं देता। इधर को सती जी उस यज्ञ में जाने की तैयारी करती है लेकिन भगवान शंकर मना करता है। लेकिन क्या कहता है भगवान शंकर है? क्या कहता है भैया? के मोगुनो तो को आयो हवन बारो तगड़ो। कैसे मोगुनो तो को आयो हवन बारो तगड़ो, तेरा बाबुल सो भवानी हो गो झगड़ो। मोगुनो तो को आयो हवन बारो तगड़ो, तेरा बाबुल सो भवानी हो गो झगड़ो। मोगुनो तो को आया हवन भारो तगड़ो और तेरा बाबुल से भवानी होगो झगड़ो। लेकिन सती जी नहीं मानती और अपने बाप के यज्ञ में विगत मौता चली जाती। देखिए क्या होता है। क्या होता है भैया? कुछ दिन बाद भूप हर्षायो राजा दक्ष यज्ञ करवायो, कर दियो शिव जी को अपमान और शिव शंकर ने भेज दियो वा वीर भद्र बलवान। भैया कर दियो नष्ट यज्ञ को, बाण काटी दक्ष भूप की नाड़, पाछे देवन मतो पायो और धरो स्वर्ग में देखो वा बकरा को मुंड मंगायो। कैसे लाए स्वर्ग लोक से जाए, जट राजा के दियो लगाए, कविता करी लेख में ढूंढे और चेला सुई दक्ष भूप के है बकरा को मुंड। भैया अब कह रही श्रीमद भगवत गीता शिव कालन के काले। ऐसे अरे यू राम खिलाड़ी कह रे जमानो चल हो बुताहे चाले हो बुतो तो आयो आवाने वालो तगड़ो। बोलिए शंकर भगवान की जय।